Good morning, children. How are you? Hope you are fit and fine and enjoying your studies. So, children, today we are starting our next chapter, chapter 2, that is representation of the earth. Okay. So, Vachay, let us start. So, with the availability of actual photographs and pictures, it has become clear that earth is spherical in shape. एज़ आई हैव टोल्ड इन आलियर वीडियोज़ जैसे कि ड्यू टू सेटेलाइट्स टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है और हमें जो फोटोग्राफ्स और पिक्चर्स मिलते रहते हैं उससे अब क्लियर हो चुका है कि अर्थ क्या है स्फेरिकल है बच्चे शेप में सर्कुलर है गोल है ओके सो इन ऑर्डर टू स्टडी द डिटेल्स अबाउट द अर्थ इसे रिप्रेजेंट किया जाता है डिफरेंट वेज में दिखाया जाता है शो किया जाता है ओके सो द मोस्ट पॉपुलर वन रिप्रजेंटेशंस आर इन द फॉर्म ऑफ अ ग्लोब और मैप ठीक किसके फॉर्म में होते हैं मोस्टली ग्लोब या मैप के फॉर्म में दिखाई जाती है हमें अर्थ मोस्टली क्योंकि इतनी बड़ी अर्थ के बारे में समझाना बहुत मुश्किल है तो इसे या तो ग्लोब के थ्रू समझाया जाता है या मैप के थ्रू ओके सो लेटेस्ट स्टडी मोर अबाउट दैम सो चिल्ड्रेन फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो अबाउट द ग्लोब एंड मैप वट द डिफरेंस बिटवीन ग्लोब एंड मैप ओके सो ग्लोब क्या है सबसे पहले बच्चे ग्लोब रिप्रेजेंट्स थ्री डायमेंशनल व्यू थ्री डायमेंशनल व्यू मीन्स तीन तरह से आप इसे देख सकते हैं ठीक है ऐसे हमें टू साइड या मैप है मैप जैसे आप अपना मैप फिल करते हैं रोज मैप एक पेज होता है तो एक उसका वन साइड होता है दूसरा सेकंड साइड होता है ओके लेकिन जो ग्लोब रहता है आपका ये मॉडल होता है अर्थ का जैसे कि आप यहाँ भी देख सकते हैं तो हम इसे घुमा भी सकते हैं तो ये दोनों साइड से दिखता है मतलब जो दो तो स्फेयर होता है उसकी दो साइड्स तो होती हैं आगे पीछे वैसे तो वो गोली होता है लेकिन एक उसका नीचे वाला व्यू भी देख सकते हैं कि वो किस पे टिका हुआ है सो इट्स द्री डायमेंशनल व्यू ऑफ द अर्थ एज यू कैन सी हेयर दैट है तो ये स्फेरिकल एक साइड इस बॉल की और एक दूसरी इस तरफ वाली और ये नीचे से भी हम इसका व्यू देख सकते हैं ओके ऊपर से भी तो इट शोज़ अस थ्री डायमेंशनल व्यू तो ये हमें अलग अलग चीज़ें दिखाता है बच्चे इट शोज़ द शेप ऑफ ओशंस ये ब्लू ब्लू जितना भी शेडेड पोर्शन है ब्लू वाला वो हमें ओशंस के बारे में बताता है एंड कॉन्टिनेंट्स ये जो बिग लैंड मासज हैं ये हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं दीज आर कॉन्टिनेंट्स ओके जो भी अर्थ में हैं ठीक है एंड इट ऑल्सो शोज देयर करेक्ट रिलेशन टू वन अनादर एज दे आर ऑन द अर्थ और हमें ये बिल्कुल करेक्टली बताता है कहाँ कहाँ पर ये लोकेट करते हैं ये प्लेसेस ओके okay? और इनका रिलेशन बिल्कुल की uh, uh, कहाँ पे नॉर्थ अमेरिका है कहाँ साउथ अमेरिका है उसके बाद उसके साथ में कौन सा ओशन है आपका ओके okay? बिल्कुल एग्जैक्ट हमें स्मॉल uh, इसकी रिप्रेजेंटेशन बताता है अर्थ की एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन गॉट इट देन बच्चे जो इसमें डिस्टेंसेज बेस्ड होते हैं स्केल के अकॉर्डिंग एंड डायरेक्शन ऑफ प्लेसेस वो फेयरली करेक्ट होते हैं ग्लोब पे जैसे कि भले ये मॉडल है अर्थ का लेकिन जो इसमें स्केल लिया गया है शॉर्ट स्केल पर बताई गई है अर्थ ठीक है लेकिन वो फिर भी करेक्ट रहते हैं फेयरली करेक्ट होते हैं वो ग्लोब में तो हमें ये बेटर आइडिया देता है इट गिव्स अस अ बेटर आइडिया ऑफ पैरल्स लैटिट्यूड्स एंड मेरीडियंस लॉन्गी जो आपने फिफ्थ क्लास में भी पढ़े हैं लॉन्गी एंड लेटीट्यूड्स जो आपकी ये लंबी लंबी लाइन्स हैं जो थ्री सिक्सटी बनती हैं आपकी पूरे अर्थ को लॉन्गीट्यूड्स ने इन इमेजनरी लाइन्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है अर्थ को ओके सेम लाइक दैट लेटिट्यूड्स मीन्स लेटे हुए आप ऐसे याद रखेंगे ठीक है तो ऐसे एक दीज आर नोन एज लेटीटूड्स तो ये हमें लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का बिल्कुल बेटर आइडिया देता है ग्लोब ओके okay? एज़ इट इज़ थ्री डायमेंशनल हम इसे घुमा भी सकते हैं जैसे हमें यहाँ इस वाली ये वाली साइड दिख रही है हम पीछे वाली साइड भी देख सकते हैं बट मैप में नहीं हमें ऐसे दिखाई देता है ओके सो इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ डे एंड नाइट अक्कर सबसे बढ़िया तो ग्लोब हमें रोटेशन के बारे में बताता है जैसे जैसे आप देख रहे हैं अर्थ यहाँ पे इस पर टिकी हुई है यहाँ से आप इस ग्लोब को अगर ऐसे ऐसे घुमाएंगे रोटेट करेंगे तो ये हमें पता लग जाएगा कि कैसे अर्थ रोटेट करती है और जो पार्ट जो है अर्थ का फेस कर रहा है सन को वो उस पार्ट पे डे रहता है और जो पार्ट सन से दूर रहता है तो वहाँ पे नाइट हो जाती है कॉट इट तो ये इससे हमें समझ में आता है इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड हाउ डे एंड नाइट अक्कर एंड हाउ सीजन्स आर कॉज्ड फिर सीजन्स का जो है रेवोल्यूशन के साथ लिंक होता है तो वो भी पता चल जाता है अर्थ का कि अर्थ जब रेवोल्यूशन करती है ग्लोब के थ्रू ही अगर आपको दिखाया जाए कि रोटेट करते 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 ये आगे आगे रिवॉल्व भी करती रहती है और इसी से ही आपके सीजन्स कॉज होते हैं तो ग्लोब है वही हमें एक आइडिया देता है कि कैसे अर्थ अपने एक्सिस पे अपनी धुरी पे टिल्ट करती है अपनी एक्सिस पे ऐसे गोल गोल घूमती है ये इसकी धुरी समझ लो फिर जब आप इसे घुमाएंगे ये रियल में घूमेगा क्योंकि ये मॉडल है अर्थ का ओके तो इससे हमें बेटर आइडिया मिलता है कि कैसे ये टिल्ट करती है अपने एक्सिस पे लेकिन इतने एडवांटेजेस के बाद भी बच्चे ग्लोब की सर्टेन क्या होती हैं डिसडवेंटेजेज और लिमिटेशंस भी होती हैं एक तो हम हर जगह इसे लेना ले जा नहीं सकते इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कैरी द ग्लोब अराउंड इसे हम हर जगह साथ में नहीं ले जा सकते हैं ओके ऑल दो इन्फ्लेटिड ग्लोव्स मेड ऑफ़ प्लास्टिक आर ऑल्सो अवेलेबल मतलब आजकल प्लास्टिक के बने हुए ग्लोब्स भी मिलते हैं लेकिन फिर भी जो इन्फ्लेटिंग ग्लोव और होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है जैसे कि उन्हें फ़िक्स करना पड़ता है उनके छोट छोटे छोटे पार्ट्स निकालने पड़ते हैं तो ये चीज़ें बहुत टाइम लेती हैं तो ये इसका एक लिमिटेशन है तो ग्लोब कांट बी यूज इफ़ वी वॉन्ट टू स्टडी ए स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द अर्थ अगर हमने सिर्फ मतलब मान लो इंडिया के बारे में ही पढ़ना है तो स्पेसिफिकली ग्लोब में इंडिया का कोई वो नहीं होगा ग्लोब में पूरा अर्थ की रिप्रेजेंटेशन होती है ओके जबकि मैप में आ, हम इंडिया का मैप भी ले सकते हैं किसी भी एरिया का मैप ले सकते हैं वो मैप की एडवेंटेज है ओके okay? और इट डोंट शो डिटेल्स इट डजेंट शो डिटेल्स सच एस टाउन्स विलेज रोड एट्सट्रा हमें अगर विलेजिज़ के बारे में पता करना हो रोड्स का पता करना हो तो वो हम नहीं कर सकते ओके सो इफ़ यू वॉन्ट टू स्टडी अ कंट्री अ स्टेट और डिस्ट्रिक्ट अ मैप इज़ मोर यूज़फुल तो मैप तो हर जगह का बन जाता है एक छोटी सी जगह का भी बन जाता है अपनी लोकेलिटी का भी बन जाता है ओके okay? तो वहाँ पर मैप बहुत यूज़फुल रहता है सो लेट्स सी द मेन डिफरेंस बिटवीन द मैप एंड द ग्लोब तो मैप जो है बच्चे आप देख रहे हो एक फ्लैट सरफेस पे एक पेज की तरह किसी पे भी ड्रॉ कर करना ही पड़ता है किसी फ्लैट सरफेस के ऊपर हमें ओके okay? क्योंकि ये टू डायमेंशनल ही होता है ओके okay? इस पेज की या तो आगे वाली साइड होती है या पीछे वाली साइड होती है बट इट इज़ नॉट थ्री डायमेंशनल वेयर एज जो ग्लोब की हमने अभी पढ़े ये थ्री डायमेंशनल है हम इसे तीनों चारों तरफ से देख सकते हैं इसे हम यहाँ से मॉडल को इसके टेल्ट कर सकते हैं टिल्ट करते हुए दिखा सकते हैं ऊपर नीचे से हमें सब जगह से इसे घुमा भी सकते हैं और इसे देख भी सकते हैं तो बच्चों को डे एंड नाइट सीजन्स का भी यहाँ से क्लियर हो जाता है ओके सो दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन मैप एंड ग्लोब सो बच्चे रिवाइज द टॉपिक दैट्स ऑल फॉर टूडेज टॉपिक